इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र से, जहां 18 वर्षीय युवक की नृशंस हत्या की गई है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र स्थित मंदिर के भीतर युवक का शव मिला है। घटना की जानकारी आग की तरफ फैली तो देखते ही देखते आसपास के लोग एकत्र हो गए और पुलिस को सूचना दी है। मौके पर पहुंची बैकुंठपुर पुलिस ने मौका मुआयना करने के बाद FSL की टीम को बुलाकर साक्ष्य के लिए सूक्ष्म परीक्षण करवाया है। बताया जाता है कि युवक की गला दबाकर हत्या की गई है, जिसके बाद टांगी से उसकी गर्दन काट दी गई है। युवक कौन है और कहां का रहने वाला है, किन परिस्थितियों में उसकी हत्या की गई है, यह जानकारी नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस आसपास के थाना क्षेत्रों से लापता युवकों के संबंध में जानकारी जुटा रही है। युवक जींस का पैंट पहने हुआ है, जबकि शरीर के ऊपर के कपड़े नदारद हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यह घटना थाना बैकुंठपुर के अंतर्गत ग्राम बढ़ावा के फूलमती माता के अंदर की बताई जाती है। यहां अज्ञात युवक लगभग 18 वर्ष का है, जिसकी गर्दन कटी हुई लाश मिली है, जिसका निरीक्षण FSL की टीम एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर नवीन तिवारी एवं थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा के द्वारा किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।